वेलकम टू टेक्निकल शिजा। मेरा नाम है सोनिया और आज हम कीज लगाना सीखेंगे, प्लस हम रिप्लेसमेंट टूल को सीखेंगे। तो आप बने रहिए वीडियो में, वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको सारी चीज़ें समझ आ जाए और कोई भी चीज़ मिस ना हो। और अगर फिर भी आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे एनी टाइम व्हाट्सएप नंबर पे या फिर इंस्टाग्राम पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्लास लूंगी ना तो छोटा सा मैं आपका टेस्ट भी साथ में लूंगी। आपने मुझे चीजें बतानी है क्या क्या किस किस तरह से करनी है। अच्छा, अब हम कैपकट ओपन कर लेते हैं। पहले मैंने आपको सिखाया था मास्किंग करना, ठीक है जी। ये हमारी लास्ट वीडियो है। ओवरले पे आके मैं इस वीडियो को होल्ड कर लेती हूँ और हम मास्क पे आ जाते हैं दोबारा। इसको इन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ना आपने देखना ऊपर ऊपर जो आया था, ये डू का बटन है, ये अनडू का बटन है ना। जी। उसके साथ ही एक बटन आपको नजर आ रहा होगा जो डायमंड शेप का बना हुआ है और उसके ऊपर प्लस का निशान है, इसको कीज बोलते हैं। इसको जब हम क्लिक करते हैं ना, वीडियो ना यहाँ पर रुक जाती है। वीडियो को हमने छोड़ना नहीं, वीडियो को पकड़े रखना है। मास्क के ऑप्शन पे हमें जाना पड़ेगा दोबारा, मेरे से ना छूट गया। मास्क के ऑप्शन पे जाएंगे, इसको पकड़ के रखेंगे, ठीक है। इसको हार्ट को हम इसके चेहरे पे लेके आएंगे, ठीक है। यहाँ पर हमें की ऑटोमेटिकली खुद ही लग जाएगी। अब मैं जहां जहां से इसको करना होगा ना वो मैं करती जाऊंगी। और देखिए डायमंड की जो शेप है ना, ये खुद ही नीचे बनती जा रही है, जहां रेड रेड भी थोड़ा डायमंड बना है। अब ये कहीं पर भी नहीं है ना, यहाँ पर ले आती हूँ, ये इधर ले आई हूं मैं। मास्क को मैंने सिलेक्ट करके रखा हुआ है, ठीक है। वीडियो को मैं आगे पीछे कर रही हूँ और ऊपर स्क्रीन से मैं जो है ना मास्क को पकड़ के इधर उधर कर रही हूँ, ठीक है। हम पूरी वीडियो को इस तरह से ट्रैक कर लेते हैं, यानी कि चेहरा जो वो इसके अंदर ही रहेगा, वो नहीं गायब होगा। हाँ, लेकिन उसके लिए थोड़ी सी जो है वो हमें मेहनत है। थोड़ी सी हमें ये मेहनत करनी पड़नी है कि वीडियो पे जा जाके के ऊपर जा रहा है, इसका फेस आ रहा है। नहीं नहीं ये मैं कर रही हूँ, मैं हार्ट को थोड़ा बड़ा कर देती हूँ या जहां जहां उसका फेस होता है वीडियो को रोक के हार्ट को मैं उधर कर देती हूँ। अब ये देखिए, ये जो वीडियो हमने एडिट की है ये इस तरह से शो होगी। प्ले कर रही हूँ मैं, ये अभी तो ये आ रहा है ना इसके पास, वो आ रहा है स्ट्रोक सा बन के आ रहा है। वीडियो को डिसलेक्ट मैंने किया, आप देखें। हाँ, अब सही है। ये जो ट्रिक है ना, ये आपको थोड़ी सी सीखनी पड़नी है और इसके ऊपर आपको प्रैक्टिस भी चाहिए। तो ये मसलन किसके ऊपर, खाली तस्वीर भी लग सकती है इसके ऊपर। ये जो कीज है ना, ये ज्यादातर जो है ना वो वीडियो के लिए इस्तेमाल होती है। जो वीडियो मूवमेंट इधर उधर आ रही होती है ना, तो हमें मास्क वहीं पे चाहिए होता है जहाँ इंसान का चेहरा आ रहा है, या जो हमें ऑब्जेक्ट चाहिए वो आ रहा है उधर, तो हमें मास्क उधर ही चाहिए। उसके लिए फिर हम ये कीज जो है इसको इस्तेमाल करते हैं। इसको आप जो है की भी कह सकते हैं। आप इसको जो मैंने अभी किया है ना, की इसको जगह जगह पे रखा है और वीडियो में उसका चेहरा लेके आई हूँ, इसको हम बोलते हैं ट्रैकिंग करना। तो ये ट्रैकिंग भी आप इस तरह से कर सकते हैं ताकि आपकी वीडियो और ज्यादा स्मूथ लगे। तो इसमें पिक्चर नहीं लग सकती? पिक्चर डल तो सकती है, लेकिन पिक्चर तो एक ही जगह रहेगी, उसमें तो हमें ये करने की जरूरत ही नहीं है। वो तो मास्क में डलती है ना, आज हमारा टॉपिक कीज है। मास्क में पिक्चर भी डल जाती होती है, लेकिन पिक्चर का चेहरा तो एक ही जगह रहता है ना, वो तो हमें आगे पीछे करने की जरूरत ही नहीं है। कीज को आपने ना अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है। इसके अलावा मैं आपको एक और चीज सिखा देती हूँ, क्योंकि कीज के ऊपर जो है ना आपकी प्रैक्टिस लाजमी होनी चाहिए। जब आप इस्लामिक वीडियोस बनाओगे ना, मिसाल के तौर पे पीछे आपकी वीडियो है, आगे किसी इस्लामिक स्कॉलर की वीडियो है, तो आपको पता है कभी कभी वो अलग अलग कैमरा एंगल से भी शूट करते हैं, या कभी कभी ये होता है कि जूम इन हो जाती है उनकी वीडियो, जूम आउट हो जाती है। तो उसके लिए कीज जो है वो काफी ज्यादा जरूरी है।
कीज की मैं आपको एक दो और मिसाले दे देती हूँ। अब ये वीडियो है, ये पिक्चर ले लेते हैं हम, ठीक है। अब ये वीडियो कैसे चल रही है, ये ऐसे चल रही है, बिल्कुल स्टिल है ये वीडियो। अब हम इसके ऊपर कीज लगाएंगे, ये देखे, ये एक की मैंने यहाँ पे लगाई जी, ये तो पिक्चर ही है उसकी, बस वीडियो इतना ही। हाँ अच्छा, अब ये देखे इसको मैं वीडियो में कैसे कन्वर्ट करती हूँ। ये एक की मैंने यहाँ पर लगा दिया है, इसको मैं करूंगी थोड़ा जूम इन, ठीक है, और ये वीडियो के एंड पे आके इसको जूम आउट करके इस तरफ कर दूंगी, ठीक है। ये देखिए ये सिंपल कीज है, दो कीज मैंने लगाई हैं, और अब ये वीडियो को देखिए ये इस तरह से बन जाएगी, समझ आई है इसकी। एक और चीज मैं आपको सिखाती हूँ इसकी, एक और ये ले लेते हैं आप ना, ये देखिए जूम इन जूम आउट इफेक्ट भी इसे कर सकते हैं, ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे और ये फिर ऐसे। अब ये देखिए वीडियो कैसी लगेगी, ठीक है। ये होता है कीज का इस्तेमाल करना, ये समझ आया आपको जी। अब ये जो तीनों स्टेप मैंने आपको सिखाया है ना, ये नेक्स्ट क्लास में मैंने जो है इंशाल्लाह आपसे पूछ लेने हैं, तीनों मैं बनाऊंगा इंशाल्लाह। अच्छा, अब एक और चीज मैं आपको बता देती हूँ, फिर उसके बाद जो है ना हम क्लास एंड करते हैं, क्योंकि कीज को थोड़ा सा शायद आपको समझ अभी आ रही है, लेकिन जब आप करने बैठोगे ना थोड़ा सा आपके लिए शायद से मुश्किल होगा, हो सकता है मुश्किल ना भी हो आपके। अच्छा, फिर डुप्लीकेट का ऑप्शन है, डुप्लीकेट का आपको आइडिया है कि क्या होता है डुप्लीकेट के ऑप्शन से? डुप्लीकेट मसने के एक पिक्चर सही है और उसके डुप्लीकेट पीछे मसने ऐसे भी। हाँ जी, ये डुप्लीकेट पे क्लिक करूंगी तो ये दो पिक्चर्स बन जाएंगी, ठीक है, एक असल वाली और एक दूसरी नकल वाली बन गई, दोनों सेम ही है, ठीक है। एक और ऑप्शन मैं आपको सिखाती हूँ, फिर उसके बाद हम ना क्लास एंड करते हैं, क्योंकि मैं ना इस तरह से ज्यादा बर्डन नहीं आप पर डालना चाह रही। अच्छा, ये देखिए अब हमारे पास टेक्स्ट ऑप्शन है रिप्लेस का। क्या होता है कि जब ना हम एडिटिंग कर रहे होते हैं ना, तो हमारे पास काफी ज्यादा लेयर्स वगैरह, ऑडियो और बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट चीजें होती हैं, तो अगर मैं दरमियान में से कोई भी एक चीज डिलीट कर दूंगी ना, तो हो सकता है कि जो मेरी बाकी लेयर है, यानी कि ओवरले है या मेरी ऑडियो है, हो सकता है वो डिस्टर्ब हो या फिर वो आगे पीछे हो जाए, तो उसको अवॉइड करने के लिए मैं रिप्लेस का ऑप्शन चूज करूंगी। अब मैं ये चाह रही हूँ कि बिना डिलीट हुए ये जो पिक्चर है ना, ये रिप्लेस हो जाए। अब मैं रिप्लेस पे क्लिक करूंगी और यहाँ से इसके सेकेंड मैंने देख लेने हैं कि 5 सेकेंड की है, तो मैं यहाँ पर वीडियो जो है ना वो लगा सकती हूँ, जो कि 5 सेकंड की बन के यहाँ पर इसकी जगह लग जाएगी। इस तरह से मेरी कोई चीज भी डिस्टर्ब नहीं होगी, और ये वीडियो के दरमियान से, बजाय इसके कि मैं इसको डिलीट करूँ और दूसरे वाला जो है उसको इधर लेके आऊं, इससे अच्छा ये कि मैं इसको यहाँ से रिप्लेस कर लूं। समझ आई है आपको भी? वो वीडियो लग गई, ये वीडियो लग गई। रिप्लेस का मतलब ये होता है कि अदल बदल कर देना ना, एक चीज को हटा के दूसरी चीज लगा देना। अब देखिए ये वाली वीडियो है ना, इसको मैं रिप्लेस करती हूँ, इसको मैंने क्लिक किया है, रिप्लेस करूंगी और ये वाली वीडियो से मैं उसको रिप्लेस कर दूंगी, तो ये देखिए वो वीडियो चेंज हो गई और ये वीडियो यहाँ पे आ गई है। मसलन की वीडियो चेंज करनी है, हाँ वीडियो चेंज अगर करनी है दरमियान में से, तो यहाँ से वो चेंज हो जाएगी, ठीक है। आपके अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ लो, अदरवाइज ये क्लास जो है हम यहाँ पर एंड कर सकते हैं। ये देखिए कीज से मैं ये भी कर सकती हूँ, ये ऊपर तक मैंने पकड़ा, इधर आई हूँ और ये नीचे तक कर दिया। अब ये देखिए वीडियो, ये देखिए ऐसा लगेगा कि कैमरा मैन ने ही ऐसी शूट की है, इस तरह से वो वीडियो जो है ना आ जाएगी। तो ये वीडियो थी कि पिक्चर थी? ये वीडियो थी, वीडियो में भी कर सकते हैं, पिक्चर में भी कर सकते हैं कीज। तो पहले वाली मैंने जो आपको कीज सिखाई है वो वीडियो में सिखाई है, और जो बाद वाली सिखाई है वो पिक्चर पे सिखाई है, दोनों में कर सकते हैं। हाँ जी, मैं इंशाल्लाह आपको सेंड कर दूंगी कल।